चलो आज बनाते हैं एकदम मज़ेदार एकदम टेम्पटिंग रेसिपी। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा कपड़े का। अब इसको हम अच्छे तरीके से बिछा लेते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच चाय पत्ती और 1 टुकड़ा जावित्री। 2 तेज पत्ते को मैंने तोड़ कर ले लिया है और 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग और 4 छोटी इलायची। अब इनका हम पोटली बना लेते हैं, एक छोटी सी पोटली। अब इनको हम ऐसे हाथ में इस तरीके से लेकर इसमें एक गांठ लगा देते हैं और इनको अब हम कुकर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप भीगे हुए काबुली चने, इन्हें भी मैं कुकर में डाल देती हूँ। और इसके अंदर हम 1 बड़ा कप पानी डाल देते हैं, मतलब गिलास से कहें या कप से कहें तो 2 कप पानी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। अब इनको हम जो है लिड लगाकर कवर कर देंगे और इसमें 6 से 7 सीटी आने देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर भटूरे का डो लगाने। तो मैंने एक थाली लिया है, इसके अंदर हम 2 कप मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो मैदा और गेहूं का आटा दोनों ले सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने 2 कप मैदा लिया है तो आप इसकी जगह 1 कप मैदा एक कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 छोटी चम्मच चीनी और 1/2 छोटी चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, हम यहाँ पर दोनों ले रहे हैं ताकि हमारे भटूरे फूले फूले और एकदम सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून सूजी ले ली है, इससे क्या होता है कि भटूरा एकदम क्रंची बनता है। तो इनको हम हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इनके अंदर हम डाल देंगे 1 कप दही, ये 4 टेबल स्पून दही है। अब इन्हें हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से, मैदे और दही को बढ़िया से। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर नॉर्मल पानी 1 कप और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे, मतलब जैसे रोटी का आप आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट, हार्ड बिल्कुल नहीं लगाना है। और इसमें हल्का सा तेल लगाकर चिकना करेंगे और इसको पटक पटक के हम मल मल के तैयार करेंगे, जिससे हमारा भटूरा बहुत अच्छी तरीके से बने। तो यहाँ पर हमने कुकर को खोल दिया है, 6-7 सीटी मैंने इसमें लगा दिया था। अब ये जो पोटली मैंने इसके अंदर डाला था इसे निकाल लेते हैं और ये चने हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे जाली स्टैंड और इसके ऊपर जो है हम छोले को डाल देंगे, पानी अलग कर लेंगे और छोले को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चने थे बहुत अच्छी तरीके से पके हैं, एकदम नरम हो गए हैं। तो अब हम पैन रखेंगे और पैन के अंदर 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, सौंफ और अजवाइन। इससे क्या होता है कि फ्लेवर टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं छोले में, एकदम मार्केट जैसा आप खाते हैं बाहर ना उसी तरीके से इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है और यहाँ पर हमने अब इसके अंदर 1 चम्मच डाला है अदरक और चिली पेस्ट। आप चाहें तो खरबट्टे में बारीक बारीक कूट कर या काट कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को भी चॉप कर लिया था, इसे भी डालकर इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और इधर देखिए एकदम अच्छी तरीके से प्याज जो है हल्की गुलाबी हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इनके अंदर हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाले का यूज किया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने छोले मसाले का यूज किया है।
और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। ध्यान रहे कि नमक मैंने पहले भी यूज किया था, तो जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है, आधा चम्मच। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेते हैं। अब इनके अंदर मैं टमाटर का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर को भी मिक्सी में पीस लें या फिर बारीक बारीक काट कर इसमें इस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का यूज नहीं किया है। अब इनके अंदर डाल देते हैं जो मैंने बॉईल किए थे छोले, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जो है अब जब मैंने इनको 2-3 मिनट भून लिया, तो इसके बाद जो छोले का पानी था मैंने अलग करके रखा था, इन्हें भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ मैं, जो छोले वाला पानी था वही यूज कर रही हूँ। और इनको लेवल कर लेते हैं, तो छोले का पानी जो है एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 गिलास और इससे हम मैच कर लेंगे चनों को। थोड़ा सा इन्हें हम बारीक कर देते हैं इसमें। तो मेरे पास पाव भाजी मैचर तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। अभी मैं जो है दूसरे शहर शिफ्ट हो गई हूँ, पहले मैं लखनऊ में रहती थी, अभी मैं दूसरी जगह आ गई हूँ। तो किचन के सारे सामान हमारे लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि किचन बहुत छोटी है यहाँ पे, इसमें हमने सामान को लगाया ही नहीं है बहुत सारा, तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ है, इसलिए मैंने गिलास का यूज कर लिया। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इधर हमारा जो मैदा है, मैदा एकदम फूल कर सेट हो गया है। मैंने इनको लगभग 1 घंटे के लिए लगा कर डो बना कर रख दिया था, और ये बढ़िया अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। तो इनको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। इसमें से एक पोर्शन हम तोड़ेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, रोल रोल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाथ में चिपक रहा है, तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लीजिए, या फिर आप तेल लगा लीजिए तो हाथ में चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया। अब इनको हम बेल लेते हैं। तो आप चाहे जिस आकार में इसको बेलिए, लंबे या गोल, तो मैं दोनों साइज में बेलूंगी, गोल भी और लंबा भी। मैदे को बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी तरीके से देखिए बेल जा रहा है। तो इनको हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं, जैसे आप मार्केट में खाते हैं तो लंबा भटूरा बनता है। तो देखिए एक भटूरा मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं कढ़ाई में, डालते हैं गरम गरम तेल के अंदर। तो तेल मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, और इसकी थिकनेस देखिए रोटी की जैसे है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है भटूरे को, तो मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, एकदम रोटी के जैसा थिकनेस इसका रखा है। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा एकदम अच्छा गरम है, गैस का फ्लेम एकदम हाई कर दीजिए। तेल जब अच्छा खूब ज़्यादा गरम रहेगा, तभी भटूरे फूलेंगे आपके। तो यहाँ पर देखिए भटूरा हमारा एकदम फूल गया है डब्बे के जैसा मतलब जैसे बलून फूला हुआ है। तो इसी तरीके से सभी भटूरों को हम बेल कर अच्छी तरीके से रेडी करेंगे पहले, इसके बाद हम तेल में फ्राई करेंगे। तो अब एक भटूरा तो हमारा सिक गया है अच्छी तरीके से, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड से मैंने सेक लिए हैं, एकदम ब्राउन कलर के हो गए हैं, और खस्ता करारे तो बने ही होंगे, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो अब इनको हम जो है थाली में लगा दिए हैं, रेडी कर दिए हैं। हमारा आज का वीडियो कैसे लगा, बहुत दिनों बाद बनाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ इस समय, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।